बिहार से विभाजित होकर जब झारखंड 28वें प्रांत के रूप में उभरा, वो दिन था 15 नवंबर सन 2000। झारखंड की कमान संभाली बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने। बीजेपी के कार्यकाल की बात करें तो यहां करीब 14 साल तक बीजेपी राज कर चुकी है, लेकिन झामुमो शुरुआत से ही टक्कर में रही है। इसके चलते पहली बार 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो ने बीजेपी को परास्त कर गद्दी अपने नाम की और शिबू सोरेन का राज तिलक हुआ। पहले विधानसभा चुनाव से ही चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा रहा। मनिका विधानसभा क्षेत्र आरजेडी और बीजेपी के बीच जंग का अखाड़ा बना रहा। 2005 के चुनाव में यहां से आरजेडी के रामचंद्र सिंह ने जीत हासिल की और इस सीट से पहले विधायक बने। इसके बाद 2009 के चुनाव में यहां से भाजपा के हरिकिशन सिंह विधायक चुने गए, जो कि वर्तमान में भी विधायक हैं। लातेहार जिले में आने वाला मनिका विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक मुख्यालय भी है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये इलाका संथाली समुदाय के लोगों की बहुतायत वाला है। 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मानिक सीट पर कुल 232,277 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 119,374 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 112,903 है। मनिका विधानसभा सीट पर 2014 के चुनाव में बीजेपी के हरिकिशन सिंह ने 31,583 वोटों के साथ अपना झंडा बुलंद किया और दूसरी बार उनका राज तिलक हुआ। वहीं आरजेडी के रामचंद्रा 30,500 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, हालांकि अंतर 1,000 वोटों के करीब था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार मुनेश्वर रहे, जिन्हें 27,731 वोट मिले थे। दो हजार नौ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने छलांग लगाई और पहले नंबर पर आकर हरिकिशन ने 18,645 मतों के साथ सीट हथिया ली थी। उधर आरजेडी पहले पायदान से खिसक कर तीसरे पर पहुंच गई। रामचंद्र को 15,214 वोट ही मिल पाए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर 16,869 वोट के साथ दूसरे पायदान पर आए। नए राज्य झारखंड के पहले विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने खूब जोर लगाया था, लेकिन जीत आरजेडी को मिली। आरजेडी प्रत्याशी रामचंद्र को 26,460 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर जीएमएम के दीपक उराव 16,876 वोटों के साथ और बीजेपी के यमुना बाबू 15,214 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे।